हाय एवरीवन, आओ बीजल रितेश मारू गाम बाड़ा। प्रैक्टिसिंग योगा टीचर रहिया लास्ट 12 इयर्स थी, टैरो कार्ड रीडर रहिया लास्ट 5 इयर्स थी, अने 1008 नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार जी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी रिकॉर्ड होल्डर रहिया अलोंग विथ माय 40 अदर फ्रेंड्स। सो योग विन्यासा इंस्टीट्यूट अने ब्लिस योगा जी तरफ थी आऊं ही स्मॉल वीडियो आलोके के प्रस्तुत कया थी, जनमे आऊं आके आंजी इम्यूनिटी की बद्दी हुनला थेरेपेटिक गाइडलाइंस देला मंगाती। इट इज अ स्मॉल एफर्ट मू तरफ थी मुझे समाज ला, तो आई होप के यान के अप्रिशिएट कयो। सो वी ऑल नो के कोरोना ला कोई भी इलाज ना है, बट अन में ही चलो आए के अपन जी इम्यूनिटी ते वर्क कयो। अने इम्यूनिटी कंती वदती योग थी, प्राणायाम थी, एक्सरसाइज थी, अने अई कन प्रकार जो खोराक खायो था, अई कन प्रकार जी थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स गनोता होन थी। सो सौथी पहला इम्पोर्टेंट आए कि दिवस में स्टीम इनहलेशन्स कयो। स्टीम इनहलेशन्स दिवस में एटलीस्ट 2 बार भी आई कयो तो हंती आज नेजल पैसेज बो क्लियर रोंदो। कोई भी वायरस, वेदर इट इज कोरोना वायरस या नॉर्मल फ्लू, वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा, मरेज पांजे बॉडी में पांजे नॉस्ट्रल्स थी एंटर थिए तो। सो अगर आई स्टीम इनहलेशन्स गनो तो वो बैक्टीरिया के वो वायरस आंजे नॉस्ट्रल्स में एलिमिनेट थे वन। सो आई यूकेलिप्टस एड करेने बाफ गने सकोता या लीली चाय जो बाफ गने सकोता, आवटे स्टीम मशीन आए तो प्लीज स्टीम मशीन थी गनो, ना कहीं नॉर्मल तपेली में पानी भरे ने भी गने सकोता। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आए कि आके गरम पानी जो वपरास करनु है दिवस में। जे जैन समाज में हुई है गरम पानी जो बहुज उपयोग पान कयू था, बट फक्त फास्ट फूड तो बहु ओछा जना एड़ा है कि 365 डेज गरम पानी जो वपरास कई था। पर हेवर हन सीजन में स्पेशली बहु जरूरी है बिकॉज ऑफ द वायरस। अई वायरस ला भी ना पन कायम में भी जो एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स भले ही माटले जो पानी पियो, पर हन साथे अई जो गरम पानी एवरी 2 कलाके हाफ कप गरम पानी भी पियो तो आजी इम्यूनिटी अने स्ट्रेंथ अने बॉडी जे ओवरऑल वर्क पैटर्न में बहुज फरक अचे वंदो। आजी बॉडी अंदर थी वॉर्म डिटॉक्स रोंदी अने बहुज तंदुरुस्त रोंदी। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज गार्गल सॉल्ट, हल्दी अने टिपको घी। अई सॉल्ट, हल्दी अने टिपके घी जा जर गार्गल कयो, लाइक आई सेड पहला नेजल में थी एंटर करे बैक्टीरिया अने पो आंजे थ्रोट में रहतो, आफ्टर दिस सर जी आंजे चेस्ट सुधी पहुंचे तो। सो पहला स्टीम इनहलेशन, देन सेकंड पॉइंट इज गार्गलिंग। दिवस में 2 बार जो सवार अने सांझ अई कोगरा कयो तो डेफिनेटली वो बैक्टीरिया के वायरस हतेज एलिमिनेट थे वने अने आंजे चेस्ट सुधी न एंटर करे सके। जिनके कायम सर्दी ने खांसी जो कोठो रहे तो अगर उन लोगों कायम मास जो कोगरेजी पद्धति चालू कहिए तो नहीं जे बांधे में थी जी वस्तु नकरे बंदी सर्दी जो कोठो रियली नकरे बंदो अने ही असी बहु मड़े स्टूडेंट साथे भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अई गरम पानी हर्बल टी अने हर्बल काढ़ो। अई हर्बल टी, लीली चाय, आदू, फुदीनो, तुलसी, गोड़ वजने बनाई सकोता या एक काढ़ो बनायो जेमे तुलसी, अदरक, लवंग, मरी, गोड़, मीठो ही मरेज वस्तुए जो या हर्बल काढ़ो बनायो। बोय में थी कोई भी अकड़ी वस्तु जो को आंके भाव है और यू अकड़ी वस्तु अकड़े टाइम थे बई वस्तु बई टाइम थे वट एवर, पर दिवस में 2 बार हंजो उपयोग करे जी भी ट्राई कयो। सन बाथ बहुज जरूरी है, अफकोर्स विटामिन डी ला, पर फक्त विटामिन डी तो अंजो मेन इम्पोर्टेंट वस्तु है, बट पांजी इम्यूनिटी, पांजी स्ट्रेंथ, पांजी बोन्स, मरीज के स्ट्रांग करेला सन बाथ बहुत जरूरी है। सो आइडली सवा जो को 9:30 वगे सुधी जो तड़को वह तो आई नो एवर लॉकडाउन के हिसाब से घने बिल्डिंग्स में अलाउड ना है कि नीचे वनो के टेरिस से भी वनो, पर आज घर के कोई कोने में भी जो आंके तड़को मलदो वह तो प्लीज ट्राई सिटिंग ओवर देर। अंती आंके तंदुरुस्ती लगती, पूर्ति लगती, एक सने पेन्स नकरे वंदा, माइंड में बहु क्लटर है तो आंके बहु रिलैक्स लगदो बाय टेकिंग द सन बाथ। अने लास्ट अने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लीज आंजो खोराक लाइट, स्पेशली डिनर्स, आंजा डिनर वेला थे वनना खपे अने लाइट होना खपे। आई नो के पांजे मोस्टली मरीजे घर में रात जो पांके आइटम्स खाई जी आदत वेती, बट फ्रेंकली वो वस्तु पांजे शरीला सारी ना है अने स्पेशली जर एटमोस्फियर हेड हुए। सो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि अगर ये रोज सादो नता खाई सको तो एटलीस्ट अठवाडिये में 3-4 दिवस ही सादो खाई जी ट्राई करो अने थोड़ो वेलो खाई जी ट्राई करो। जत्रो आंजो पेट हल्को हुंदो हत्रो आंके इम्यूनिटी बूस्ट करे में हेल्प कई दो। सो ये मरेज गाइडलाइंस आंके फक्त कोरोना पूर्ति ना है,
बट ओवरऑल अगर आंके पंजी स्ट्रेंथ इम्यूनिटी अने शरीर के अने बांधे के स्ट्रांग बनायनु है तो आंके बहुज हेल्प करी। दैट इज वाय आई सेड पहला ज के फक्त कोरोना ला ना हैवर वायरल फीवर सीजनल चेंजेस जरा ऊपर नीचे सीजन थिया थी तब मैक्सिमम लोगों के वायरल थे बने तो मैक्सिमम अने वायरल थिया तो हाने बबत रहता डिग्री सुधी ताव पोजे बने तो रीजन है कि पांजी पंजी इम्यूनिटी बहुज ओछी है। दैट इज वाय कोई के भी थिया तो वी आर कैचिंग द वायरस वेरी फास्ट। तो ही मड़ेज वस्तुओ ट्राय कयो अंती आंजी इम्यूनिटी वधी आंजी स्ट्रेंथ वधी अने आंके बहुज तंदुरुस्त अने बहुज सारो लगतो। अने ही मड़े चीजू अटले इम्पोर्टेंट है कुला के हेवर ही घरे आयो पर जे लॉकडाउन खत्म थींदो अने पान घर थी बार नकरीबो पांजी रूटीन्स ते पाछो कोरोना अजी खत्म नाय थे वारो ना ज फ्लूज थे जा बंद थींदा ना सीजनल चेंजेस थींदो ऊपर वरसाद जी सीजन आए दीज ऑल थिंग्स विल कंटिन्यू। बट अगर आऊं ही मड़े चीजू कंटिन्यू कई दिया तो ऑटोमेटिकली मुझी इम्यूनिटी एतरी स्ट्रांग थींदी कि जरा बार बना मुखे कोई वायरस न पकड़े मुखे इन्फेक्शन न थिए अने गनीमत थे भी बने तो ही मड़ू वस्तु थी आऊं अनके मुझे नेजल थी या थ्रोट सुधी किल करे सका। सो प्लीज अई अन गाइडलाइंस आई होप के आंखे गमई वे अई अनके प्लीज फॉलो कई जा जत्रो थी अन वीडियो के स्प्रेड करे जी ट्राय कयो के मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों सुधी ही पहुंचे सके। आगे फर्दर की भी इंक्वायरीज में तो ब्लिस योगा मुझे पेज आए फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर ते उनते मुके फॉलो करे सको था या आई मुके bijalmaru01@gmail.com ते मेल भी करे सको था। अने आगे कोई भी रिलेटेड क्वेरीज में तो आई एम ऑलवेज आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनी वन एंड एवरी वन। असाजा योगा क्लासेस पार्ला ईस्ट में हले था असी क्लासेस में लॉट ऑफ प्राणायम्स लॉट ऑफ आसन्स लॉट ऑफ प्रॉप्स लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ योगा टीच कयूं था। दैट इज वाय एज अ जेस्चर टू द कम्युनिटी मुके मुझे समाज ला ये आऊं वस्तु कही है आऊं अजी अकड़ो वीडियो भी वायरल कई दिया जेमें आऊं आके अमुक आसन प्राणायाम सखाई दिया जेंती आजी इम्यूनिटी बूस्ट थे बने। बट टिल देन एटलीस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दिस ही गाइडलाइंस प्लीज फॉलो कयो नॉट जस्ट टिल द वायरस बट उन पुठिया भी आजी इम्यूनिटी आजी स्ट्रेंथ वधारेला। थैंक यू वेरी मच।